यह एक मॉर्निंग वार्म अप एक्सरसाइज है जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले से मौजूद है। रेडियो इस नाम का हिस्सा उस समय होता था जब प्रत्येक व्यायाम के निर्देश रेडियो के माध्यम से प्रसारित किए जाते थे, लेकिन आजकल लोग आम तौर पर इन स्टेप्स को टेलीविजन चैनल या इंटरनेट वीडियो के साथ करते हैं। रेडियो तैसो करने का एक प्रमुख उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना है। यह व्यायाम हमेशा समूह में किया जाता है। आमतौर पर स्कूलों में कक्षाओं की शुरुआत से पहले, बिजनेसेस में दिन की शुरुआत से पहले। आंकड़े दिखाते हैं कि 30% जापानी दिन में कुछ मिनटों के लिए रेडियो तैसो का अभ्यास करते हैं, लेकिन रेडियो तैसो वो एक चीज है जो